सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल ने किया पैदल गश्त। शहर के विभिन्न बस स्टैंड एवं होटलों पर किया निरीक्षण। मिश्रित आबादी पर भारी पुलिस बल ने किया पैदल गश्त। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर जारी किए कड़े निर्देश। सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार से भड़काव अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। जामा मस्जिद में होगी जुमे की नमाज, जिसको लेकर पुलिस सतर्क। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है। जनपद बांदा से नवल तिवारी की खास रिपोर्ट। ये गश्त किया गया है, ये डेली हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। शहर के जो सेंसिटिव एरिया है, जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, उनमें लगातार हम लोग पैदल भ्रमण कर रहे हैं। आज भी हम लोग कल के जुमे की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए आज हम लोग शाम में भारी पुलिस बल के साथ हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया। शहर के सारे सेंसिटिव एरियाज़ में फ्लैग मार्च किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में सभी सर्किल ऑफिसर, थाना प्रभारी, पुलिस मजिस्ट्रेट, सभी लोगों ने मिलकर फ्लैग मार्च किया है और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा किया। क्या सर, ड्रोन कैमरे से इस बार फिर निगरानी की गई है संवेदनशील इलाकों के? कैमरे के थ्रू सारे संवेदनशील इलाकों में उनको उड़ाया गया है और ये देखा गया है कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु तो छतों पर नहीं रखी है, और ये देखने में पाया गया कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं। सर, पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार लोगों से बातचीत की जा रही थी सुरक्षा को लेकर के व शांति माहौल को लेकर के, क्या कहीं कोई क्रिटिकल मामला सामने आया है, कोई शिकायत? नहीं, बिल्कुल बांदा में लगातार हम लोग सभी से बात कर रहे हैं, धर्मगुरुओं से बात कर रहे हैं, व्यापार मंडल से बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं निकल के आई जिसमें कोई गड़बड़ हो या कहीं कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश हो।